दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पांच ऐसे ब्लॉग आइडिया शेयर करने वाला हूं जिनमें आप लोगों को बस कॉपी एंड पेस्ट करना है एंड इजीली तरीके से आपको यहां पर एडसेंस का अप्रूवल ही मिल जाएगा। यहां पर आप सभी को मैं लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि कैसे दूसरी जो साइट्स हैं वो कॉपी एंड पेस्ट कर रही है, कैसे वो यहां पर बहुत ज्यादा अर्निंग कर रही है, प्लस उनको एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है वो भी कॉपी एंड पेस्ट वाले कॉन्टेंट पर। तो सब कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल वाई टिकिंग पंकज में। सो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सारी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। गाइस तो यार रिसर्च करने में, कंटेंट फाइंड करने में, आइडियाज फाइंड करने में काफी टाइम लग जाता है, तो इसके लिए बस इतना चाहता हूं कि एक लाइक कर देना जो बिल्कुल फ्री है, और न्यू हो अगर आप लोग चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने का। ठीक है तो चलिए अब वीडियो को बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों देखो, पहला हमारा जो ब्लॉग आइडिया है वो है लिरिक्स वेबसाइट का। ठीक है ना, अब लिरिक्स साइट पर मैं पहले ही एक सीरीज बना चुका हूं, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है ना, तो यहां पर दरअसल होता यह है कि जैसे कि कोई नया सॉन्ग आया तो उस सॉन्ग के बस आपको क्या करने होते हैं, लिरिक्स डालने होते हैं, और वो लिरिक्स आपको बहुत सारी साइट्स में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो कि अभी एक सॉन्ग आया था बारिश की जाए, ठीक है ये आ गया, ठीक है मैंने यहां पर लिख दिया बारिश की जाए सॉन्ग लिरिक्स। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली साइट है इसमें जो लिरिक्स पड़े होंगे वही सेम टू सेम लिरिक्स जितनी भी नीचे की साइट्स हैं इनमें भी पड़े होंगे, क्योंकि तो लिरिक्स तो सेम ही होते हैं ना, आप लोग उसको चेंज तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना ही होगा कि आप लोग अपनी खुद की लिरिक्स साइट बना सकते हैं, एंड बना लेने का आपको करना कुछ नहीं है, आप लोग किसी एक साइट को पकड़ लो एंड वो बंदा जितने भी यहाँ पर सॉन्ग के लिरिक्स डालता है आप लोग क्या कर सकते हैं उसके सारे लिरिक्स कॉपी करके अपनी साइट में डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बस आपको थोड़े बहुत पेजेस बनाने पड़ेंगे, DMCA का हो गया, डिस्क्लेमर का हो गया। तो बस इस पेज में आपको बस ये बताना है कि पूरा जो क्रेडिट है वो इस सॉन्ग के ऑनर को जाता है। ठीक है, बाकी ये पेज कैसे बनाते हैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये बेस्ट निश है एंड यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सब कुछ कॉपी एंड पेस्ट का काम रहता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये वाली एक साइट है lyricsworld.com, इसको मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पर जो लिरिक्स पड़े हुए हैं वही लिरिक्स इस वाली साइट में भी पड़े हुए हैं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं यार, सेम टू सेम लिरिक्स हैं, कॉपी एंड पेस्ट का काम है, तो आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा आइडिया था वो था लिरिक्स साइट का, एंड आप लोग अगर इस पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इस पर काम कर भी रहे हैं एंड अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा ब्लॉग आइडिया है वो है कोर्स सारी वेबसाइट का। अब गाइस देखो इसमें भी सिंपल सा यही काम रहता है कि अगर आप लोग खुद से सारी बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुद से सारी बनाइए और अपनी साइट में डाल दीजिए। अगर खुद से नहीं बना सकते तो आप लोग किसी अदर साइट से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे सामने साइट्स ओपन हो जाएंगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 से 15 साइट्स को ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आपको करने का है उनमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पहली वाली साइट्स है उससे कम से कम 3 से 4 कोर्स उठा सकते हैं, दूसरी वाली साइट से 3 से 4 कोर्स उठा सकते हैं, तीसरी वाली साइट से 3 से 4 कोर्स उठा सकते हैं, ऐसे करके आप लोग यहाँ पर 10 से 15 साइट से कम 50 कोर्स उठा लीजिए और प्रॉपर कॉपी एंड पेस्ट करके अपनी साइट में उस आर्टिकल को डाल दीजिए एंड आपका एक आर्टिकल रेडी हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग जितने चाहें उतने कोर्स डाल सकते हैं, क्योंकि एक साइट में आपको एक या दो कोर्स तो मिलेंगे नहीं, उसमें भर भर के आपको कोर्स मिलेंगे, मोटिवेशनल पर हो गया, सक्सेस पर हो गया, लव पर हो गया, मतलब कि आप लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है वो आर्टिकल लिख सकते हैं एंड कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, और अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो यहाँ पर अधिकांशतः आपको साइट में सेम कोर्स देखने को ही मिलेंगे, मोटिवेशनल वाले या जो भी आप लोग सर्च कर रहे हैं। देखो ये वाली जो साइट है ये ब्लॉगर पर बनी हुई है एंड ये साइट यहाँ पर रैंक भी कर रही है, तो जो ब्लॉगर पर जिनकी साइट है वो लोग देख लें कि ब्लॉगर की जो साइट है वो भी यहाँ पर रैंक करती हैं, आप लोग यहाँ पर खुद ही चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक मोटिवेशनल शायरी या फिर कोर्ट्स वाली जो वेबसाइट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इसमें भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, सिंपल कॉपी एंड पेस्ट वाला काम है, और आप लोग खुद देख लो कि इनको भी यहाँ पर एडसेंस का जो अप्रूवल है वो मिला हुआ है एंड ये लोग यहाँ पर काफी अच्छी खासी अर्निंग कर भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारा ब्लॉग आइडिया है वो है जीके क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है ना, अब कैसे को यहाँ पर जैसे कि मान लो कि अगर आप लोग कोई जीके की साइड स्टार्ट करते हो, क्वेश्चंस आंसर की साइड स्टार्ट करते हो, या फिर करंट अफेयर्स की साइड स्टार्ट करते हो, या फिर एजुकेशन की साइड स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना है। जैसे कि आज क्या है, आज है 6 अप्रैल, तो मैं यहाँ पर डालूंगा 6 अप्रैल करंट अफेयर्स इन हिंदी, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब जितनी भी आपको यहाँ पर साइट्स दिखेंगी उनमें लगभग आपको कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जैसे कि ये वाली एक साइट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ,
और भी काफी सारी साइट्स हैं, जैसे कि इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, तो इनमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे लगभग सभी साइट्स में। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऊपर की कम से कम 4 से 5 साइट्स को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोग करेंगे क्या कि इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी को उठा लेने हैं। दूसरी साइड से आपको क्या करना है, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से उठा लेने हैं। ऐसे करके आपको तीसरी साइड से कम 4 से 5 क्वेश्चन उठा लेने हैं और कम से कम 20 से 25 जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को अपनी साइड में डाल देना है। यहां पर भी आप लोगों को क्या करना पड़ा, कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ा एंड एक्स्ट्रा कुछ भी यहां पर आपको नहीं करना पड़ा। बाकी एक बात याद रखना कि जो भी आप लोग यहां पर कॉपी एंड पेस्ट का काम कर रहे हैं आपको उसमें एससीओ बहुत अच्छे तरीके से करना है, देन तभी आप लोग यहां पर रैंक कर पाओगे, क्योंकि जितना अच्छा एससीओ होगा उतनी ही तेजी से आपकी जो पोस्ट होगी वो यहां पर रैंक करेगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो तीसरा ब्लॉग आइडिया था वो क्या था, जीके की साइड बना सकते हो या फिर पर्टिकुलर करंट अफेयर साइड बना सकते हो या फिर आप लोग एक ही साइड में इन सारी चीजों को प्रोवाइड करा सकते हो, एंड इसमें भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट वाला काम है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो अगला ब्लॉग नेक्स्ट आइडिया है वो है सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वेबसाइट। अब देखो यहां पर ये मैंने क्यों रखा, बिकॉज यहां पर भी कॉपी एंड पेस्ट का काम रहता है। जैसे कि मार्केट में कोई नया सॉफ्टवेयर आया, मान लेते हैं कि फिल्मोरा कोई सॉफ्टवेयर आया, ठीक है ना, फिल्मोरा आ गया, आ चुका है, ठीक है। मैंने यहां पर डाला फिल्मोरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ये मैंने यहां पर डाल दिया। अब काफी सारे लोगों ने यहां पर क्या कर रखा होगा, इस पर प्रॉपर आर्टिकल लिख रखा होगा, ठीक है, कि इसको क्रैक वगैरह कैसे करें या इसको डाउनलोड कैसे करें। तो आप भी क्या कर सकते हैं, फिल्मोरा के ऊपर एक प्रॉपर आर्टिकल लिख सकते हैं, एंड आर्टिकल आपको कहां से मिल जाएगा, आपको यहां पर बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी या आप लोग फिल्मोरा की ऑफिस साइट पर जाकर के यहां से भी कॉन्टेंट को उठा सकते हैं। एंड उठा लेने का आपको करना कुछ नहीं है, इनकी जो डाउनलोड वाला लिंक है वो आप लोग यहां पर लगा सकते हैं, एंड यहां पर दो तरीके से आपको फायदा होगा। एक तो आप लोग यहां पर आर्टिकल लिखोगे तो वो आपको प्रॉपर जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखा कि क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड करें तो उस पर हो सकता है कि कभी कभी स्टैक वगैरह आ जाए, तो आपको ऐसा बिल्कुल काम नहीं करना है, आपको जेन्युइन काम करना है। और सभी सॉफ्टवेयर पर आप लोग यहाँ पर रिव्यू लिख सकते हैं, एंड दूसरी साइड को आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग कैसे करके लिख रहे हैं, एंड उनसे आइडिया ले सकते हैं, एंड उनका थोड़ा बहुत जो आर्टिकल है वो आप लोग यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर तो आप लोग पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर दो तरीके से आपको अर्निंग होने वाली है, एक तो गूगल एड्स के थ्रू, दूसरा अफिलिएट के थ्रू। तीसरा यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग दे रहे हैं उसको पर्टिकुलर एक जगह पर अपलोड कर दीजिए, एंड उसका जो लिंक होगा वो आप लोग शॉर्ट लिंक के थ्रू शॉर्ट कर सकते हैं और जो है प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी साइट में, एंड जब भी कोई इस पर क्लिक करके किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए जाएगा तो यहां पर आपको उसके थ्रू अर्निंग होगी। तो काफी सारा यहां पर ऑप्शन खुल जाते हैं अर्निंग करने का, अगर आप लोग किसी भी डाउनलोडिंग प्रकार की साइट बनाते हो तो, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि मूवी डाउनलोडिंग साइट बना रहे हो या किसी अदर प्रकार की, हाँ आप लोग एपीके डाउनलोडिंग साइट भी बना सकते हैं, यहां पर भी कॉपी एंड पेस्ट का पूरा पूरा काम रहता है, क्योंकि आपको सारे के सारे ऐप मिल ही जाते हैं अदर साइट से, तो वहां से कॉपी करो अपनी साइट में डालो, थोड़ा बहुत मटेरियल लिखो, एंड आपको वहां पर भी इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 4 ब्लॉग आइडिया होगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट ब्लॉग आइडिया है वो है बायोग्राफी का। अब यहां पर आप लोग बायोग्राफी के ऊपर क्या कर सकते हो, अपनी साइट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लेता हूं कि मैं यहां पर किसी एक फेमस सेलिब्रिटी की बायोग्राफी ओपन कर लेता हूं, जैसे कि अक्षय कुमार की कर लेते हैं, ठीक है, अक्षय कुमार बायोग्राफी इन हिंदी। अब गाइस यहां पर अगर आप लोग जितनी भी साइट्स को ओपन करोगे उनमें लगभग आपको सेम ही सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जो कुछ भी यहां पर लिखा हुआ है कि इनका नाम, असली नाम अक्षय कुमार नहीं बल्कि राजीव हरिओम भाटिया है, और मतलब कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वही लगभग अदर साइट्स ने भी कॉपी करके अपनी साइड में डाला हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, सिंपली आप लोगों को कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ वो बात अलग है कि जैसे कि कोई नया, मतलब कोई बहुत ज़्यादा फेमस बंदा हो रहा है एंड आप लोग उसके ऊपर बायोग्राफी लिखना चाहते हो तो आप लोग खुद से उस समय लिख पाओगे अगर किसी अदर साइट ने नहीं डाला होगा तो। बाकी आपको सब कुछ गूगल पर पहले ही मिल जाएगा कि ये बंदा कौन है, कैसे क्या लिखता है, तो बस आपको वहाँ पर पढ़ना है एंड अपने शब्दों में लिख देना है, एंड आप चाहें तो वहाँ से थोड़ा बहुत कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस देखो ये टोटल 5 ब्लॉग आइडिया थे जिन पर आप लोग काम कर सकते हैं, एंड कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत है, बाकी सारा का सारा जो काम है वो कॉपी एंड पेस्ट का है। तो अगर आपको ये सारे के सारे ब्लॉग आइडिया पसंद आए हो एंड जो भी आपको अच्छा लगा हो आप लोग उस पर काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे निशेष हैं ये सारे के सारे। एंड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।